उस ब्लॉग को वहीं पेंट करते हैं, बाकी ये नया ब्लॉग है। चलिए दूसरे जगह, कौन सा मंदिर है अंकल जी? 64 योगिनी मंदिर है। आइए यहाँ पे चलते हैं, जबरदस्त नजारा यहाँ पे देख सकते हैं। आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। देख सकते हैं जबरदस्त नजारा, यहाँ पे सीढ़िया है चढ़ते हुए ऊपर, देख सकते हैं। बाकी सभी लोग अपना अपना पिक क्लिक करवाने के लिए बोल रहे हैं लोग, बाकी और इसमें सब कुछ मैनेज करना है। इंस्टा पे लाइव भी आना है, फेसबुक पे भी लाइव आना है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग हाय बाय करते हुए। चलिए ऊपर चढ़ते हैं। सब लोग इसी में मजा कर रहे हैं, तो हम भी अपने ही से मजा कर रहे हैं। आइए आइए, बाप रे पैर दुखा गल गाइस। हाँ तो गाइस, दौड़ते दौड़ते पैर दुख गया, लेकिन चलना है ऊपर। चलिए हैदर वाल्मीकि भी हाफ के बैठ गए, देख सकते हैं बहुत ज्यादा दौड़ते दौड़ते चढ़ा दन पैर दुखा गल। चलेगा फिर भाई पूरा होते नहीं है, वो झरना है, पानी बहती है, नर्मदा नदी का तट पे है। ये है दूसरा मंदिर 64 योगिनी। तो फाइनली गाइस हम लोग चल चुके हैं, मजा कर रहे हैं ये सब, देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे है ये, क्या मजा आ रही है करने का है अंदर। चलिए करते हैं बस, इधर वाल्मीकि भैया जी जी नहीं आई, यहाँ पर ही कैमरा का लगा, ठीक है कर चुके, देख सकते हैं गाइस ONC क्या नजारा है, क्या बात। यहाँ पे देखिए वाल्मीकि, तो गाइस इंटर करते हैं हम लोग, वीडियो बनाना बंद कर दिया क्योंकि उधर माना था वीडियो बनाना, इसलिए बाकी बहुत ही जबरदस्त भगवान भोलेनाथ का नजारा था और भी जबरदस्त, मतलब मुझे देखने को मिली। बाकी उधर इस मंदिर के अंदर फोटो लेना या वीडियो लेना माना है, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, दिखा यू कैन वॉच। फाइनली हम लोग इधर घूम चुके हैं, काफी मजा आया, बाकी मंदिर के परिसर में वीडियोज बनाना माना था, तो काफी मजा आया, फिर भी हम लोग को देखने को मिला। बाकी यहाँ से भी चलते हैं थोड़ी देर में, यहाँ पे इनका फोटो क्लिक करना चाहिए, ठीक है। तो गाइस ये रहा 64 योगिनी मंदिर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप सभी को कैसा लगा। गौरी शंकर मंदिर, हाँ इसका नाम गौरी शंकर भी है। रुके इधर से दिखा, देखिए 64 योगिनी मंदिर भी नाम है इसका। बाकी उधर धुआंधार पे भी गए थे, नौका विहार भी एक पर्यटन स्थल है, और यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर यही है शायद, बाकी देख सकते हैं। और ये था सीढ़ी, देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा ऊंचा था, इधर से चढ़ते टाइम पैर दुख गया, बाकी उधर से आते टाइम धीरे धीरे आए लोग। बाकी ब्लॉग के एंड करता नहीं, सब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कैसा लगा था, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो। बाकी बहुत जल्दी नए ब्लॉग में एक नए जगह के साथ, तब तक थैंक यू, जय हिंद।